ज्यादातर बंगाली लोग उसके खिलाफ हो गया है। नारा चला चुपे चुपे चुपके चुपके लाड़ा चलाया, चुपचाप कमल छाप। हाँ, यूएस प्रेसिडेंट ने भी कहा मोदी यू आर अ ग्रेट लीडर एंड आई रियली लव यू। मतलब विदेशों में तो इतनी ज्यादा इज्जत है, जैसे कहते हैं यू आर फ्रॉम इंडिया, हिंदी मोदी ये मोदी मुझे पता चला है कि मोदी इज अ गुड लीडर। और लालू जी भी कहते थे देखिए काहे मोदी जी का वोट दिया है। सिर्फ मोदी जी, भाई बहनो मुझे पता चला है देश के सारे लोग चौकीदार और मैं भी हूँ। आज आप देखिए सेंसेक्स में उछाला है, माय गॉड क्या तेजी से बढ़ा है। तो 250 ग्राम माछ लेके जाएंगे, आमी माछ खैलम और खाते रहिए वो माछ वाच टुकड़े टुकड़े गैंग के टुकड़े हो गए। राफेल वाला मुद्दा नहीं चल पाया, राफेल तो उड़ गया, वैसे ही उड़ गया हवा में गया। और जो राष्ट्र विरोधी लोग थे उनको शीशा दिखाया गया, आईना दिखाया गया, केजरीवाल को जितने थप्पड़ लगे उतनी तो सीट भी नहीं आई। अब ये 5 साल में जाता हूँ तो लगता है कि बिहार में नहीं दिल्ली में हूँ मैं। एक बार फिर मम्मी का पप्पू फेल हो गया। जब हमारा चौकीदार 130 करोड़ जनता का चौकीदार जागा तो सारे चोर भागा। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम है बिप्लव मोनो, बांग्ला से। तो एक बात बताइए, बांग्ला से 18 सीटें दे दिया, 18 से दे दिया तो वो ऐसा ऐसा काम किया है ना ममता जी, वोट नहीं दे दिया, वो दे दे दिया, इसलिए सब बीजेपी का सब जो कर्मकर्ता है सब एकजुट हो गया। और केंद्रीय वाहिनी जाकर अच्छे से वोट किया है, इसलिए ज्यादातर बंगाली लोग उसका खिलाफ हो गया है। नारा चला चुपे चुपे चुपके चुपके लाड़ा चलाया, चुपचाप कमल छाप। हाँ, इसलिए आरोप जो है ना जो ममता जी मतलब पागली हो गएगा, और भी पागला हो जाएगा उसका उसका तो क्या उसका उसका जो है ना विधानसभा वो भी गिर जाएगा 1 महीना में। जब ये नारा चला था, जय सियाराम, जब ये नारा चला था चुपे छाप कमल छाप, तभी पगला गई थी। हाँ हाँ, चुपचाप अब कमल छाप वही है, चुपचाप। जब मोदी जी गया था उसे बोला था चुपचाप कमल छाप, सब सब कमल छाप। बताइए बंगाल के अंदर जय श्री राम के नारे से इतनी बैर तो डर गया है, जय श्री राम बोलता तो किसी को जेल में भेज देता। उसी औकात पता चल गई है कि वाकई मोदी जी क्या है, देश में नहीं पूरे विदेश में भी। यहाँ तक के आपको प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट ने भी कहा मोदी यू आर अ ग्रेट लीडर एंड आई रियली लव यू। वाकई इन्होंने साबित किया है कि देश में वाकई ऐसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत है। हमें गर्व है और फख्र है। जय श्री राम। इंडिया का चुनाव पूरा वर्ल्ड की नजरें थी, और सबसे पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके बधाई दे दी। बेशक मैं अभी अभी दुबई से मैं खुद आया, दुबई में जो वहां के शेख हैं उन्होंने मुझसे पूछा यल बाबा अंत हिंदी मोदी, मैंने कहा या मोदी। इनफैक्ट दुबई से लेकर यूनाइटेड स्टेट से लेकर पूरी दुनिया आज मोदी कर रही है, डंका बज रहा है। और इसे हमें गर्व है और हमें फख्र है कि मोदी जैसे लीडर, अभी मैं आपको बता दूं कि 50 साल में नहीं 70 साल में आज तक देश को जो लुटेरों ने लूटा है इन्होंने साबित किया है कि अब देश को हम लूटने नहीं देंगे, क्योंकि आप देश नहीं झुकने दिया जाएगा। और जैसा नाम और जैसा काम इंडिया के अंदर है बाहर भी छाया हुआ है। बेशक मैं गया वहां के सारे लोग, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मतलब विदेशों में तो इतनी ज्यादा इज्जत है, जैसे कहते हैं यू आर फ्रॉम इंडिया, हिंदी मोदी ये मोदी। पहले कहते थे ब्लैक डॉग आई हेट इंडिया, अब तो वो लोग खुद कहते हैं। अभी एक अंग्रेज ने कहा था मुझे मुझे पता चला है कि मोदी इज अ गुड लीडर। सो रियली मुझे अच्छा लगता है कि विदेश में भी हमारा डंका बज रहा है, हमें फख्र है, गर्व है कि ऐसा प्रधानमंत्री मतलब आजादी के बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसे हमें गर्व है। आज हमारा सीना 56 नहीं 200 इंच हो गया। एक बार बताइए, राहुल गांधी है, केजरीवाल है, सुपड़ा साफ कर दिया। राहुल गांधी ने तो कहा है ना भाई बहनों मुझे पता चला है कि आप जैसे गरीब लोग, मैं गरीब नहीं हूँ तो वो तो गए। वाकई जो गरीब है अभी वो देश में है, इसलिए वो भी गए। और लालू जी भी कहते थे
ए जो है देखिए काहे मोदी जी का वोट दिया है, अब वो भी गए तेल लेने, यानी कि सब गए सिर्फ मोदी जी। भाइयों बहनो मुझे पता चला है कि देश के सारे लोग चौकीदार और मैं भी हूँ, प्राउड टू बी एन इंडियन। एक बात और जानना चाहूंगा, जेएनयू के जो छात्र थे कन्हैया कुमार और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, उन्होंने बेगूसराय से चुनाव लड़ा और गायब हो गए। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि देश में जो अभी की जो राजनीति थी, सब के सब जो है ना लुटेरे हैं, चोर हैं, लेकिन देश द्रोही है, ये वाकई इनके अंदर देश की जज्बा नहीं है। देश का जज्बा एक ही इंसान में, मोदी जी को आप देखिए ना भाई, कुछ नहीं है उनके पास, उनका एक ही मिशन है, एक ही सिद्धांत है कि देश को आगे ले जाना। आज आप देखिए सेंसेक्स में उछाला है, माय गॉड क्या तेजी से बढ़ा है, एक ही दिन में आफ्टर रिजल्ट, पहला काम तो मुकाम हो चुका है वाकई। और आज आप देखिए, आप जो आज देख रहे हैं कि आज हाईवे से आप लोग भी आते होंगे, ये किसकी देन है? अटल बिहारी वाजपेयी की, इसको सपना पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी। तो वाकई देश की तरक्की तो हो ही रही, कैसे इन लोगों ने कहा तरक्की नहीं हो रही? आप ग्रास रूट पे जाइए, नितिन गडकरी की तो विपक्ष भी तारीफ करता, बहुत अच्छा काम करता है, इसका परचम लहराया है पूरे विश्व में जाकर के, ऐसा प्रखर नेता, ये हमारा सौभाग्य है। और हम अपने पूरे युवा शक्ति से हम आह्वान करते हैं कि इनकी छत्र छाया में हमें इनका सुशासन जिंदगी भर मिले, जब तक जिंदगी भर। बनर्जी के लिए क्या कहेंगे? ओ तो बस अब 250 ग्राम माछ लेके जाएंगे, आमी माछ खाइला और खाते रहिए, वो माछ वाच खाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। पूरी तरह से बौखला गई है, पूरी तरह से बगला गई, टुकड़े गैंग के टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग के टुकड़े हो गए, पप्पू फेल हो गए। इसमें मोदी जी ने पूरा दिखा दिया कि ये देश जाग चुका है, अब कोई जातिवाद कुछ नहीं चलेगा, धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ विकास होगा, सिर्फ विकास होता रहा और होगा। राफेल वाला मुद्दा नहीं चल पाया, राफेल तो उड़ गया, वैसे ही उड़ गया, हवा में गया। अब अगली सबसे बड़ी बात, देश का युवा जाग गया है। नितिन गौतम नाम है मेरा, कहाँ के रहने वाला? मैं रुड़की से रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे आज जो मोदी जी ने भाषण दिया, पूरे देश के नाम रखा भाषण? ये हमारे युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा सबक है, जो हमने एक पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाई और हमारे कार्यकर्ताओं का इसमें बहुत बड़ा रोल है, देश की जनता का बहुत बड़ा रोल है। और जो राष्ट्र विरोधी लोग थे उनको शीशा दिखाया गया, आईना दिखाया गया और घर बिठाया गया 5 साल के लिए। अब आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं, 5 साल हैं आपके पास, क्योंकि जो आपने पहले किया उसका सबक देश की जनता ने, देश के लोगों ने, चाहे वो किसी भी तबके का लोग हो, एक साथ एकजुट होकर उन्होंने मोदी जी को बनाया है दोबारा से, और हम बड़े खुश हैं और आज यहाँ पे जुटे हुए हैं इसी वजह से। दिल्ली के, दिल्ली से सुपड़ा साहब, केजरीवाल भी साहब, राहुल गांधी भी, जमानत जब्त हुई क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई, आपने कहावत सुनी होगी, वही हुआ, एक भी सीट नहीं आ पाई और ना आएगी, क्योंकि देश की भी दिल्ली भी समझ चुका है कि कौन घर घर मोदी, बबुआ भी खत्म हो गए, चोर की पार्टी दिख गई और सत्यवाद की पार्टी निकल गई। मोदी आएगा, 19 में भी आया है, 24 में भी आएगा। दर्द सिर्फ उन्हें हुआ है जो 2 नंबर का धंधा करते हैं और जो सत्यवादी, उन्हें केजरीवाल को जितने थप्पड़ लगे उतनी तो सीट भी नहीं आई। ये हमारा सबका साथ, घिसी पीटी सरकार से मुक्ति मिल गई, सबका साथ सबका विकास सरकार से मुक्ति मिल गई, स्थानीय सरकार आएगी, मजबूत होकर काम करेगी, किसी का प्रेशर नहीं होगा, ये हम प्रेशर नहीं होगा, किसी का प्रेशर नहीं होगा देश में। एक बात बताइए, ममता बनर्जी है जय श्री राम के नारे पे और वहाँ पर बहुत बड़ा आतंक किया, ममता बनर्जी को आप किस तरह से देखते हो ये बताओ? ममता बनर्जी जब खुद अपना अत्याचार भूल कर सब जब अपना सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है तो देश के लिए क्या कर सकती, सोच लो आप। विदाई हो गई है क्योंकि दीदी संविधान को बचाने के चक्कर में देश के विरोध के लिए खड़ी हो गई, अब दीदी का कुछ नहीं हो सकता। बुआ जी कहाँ है? बुआ जी बस पहले 0 सीट थी, अब गठबंधन करके भी कुछ नहीं कर पाई, तो अब कुछ नहीं हो सकता। महामिलावटी लोगों का दीदी भी आ तो नहीं की, दीदी भी आ तो नहीं की, तो हमने कहा लाओ ऐसे विदाई कर दूं का, तो सफाई हो गया। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। एक बात बताइए, मैं बनारस से हूँ, वहाँ पे मोदी जी अच्छी सीट से निकली है, वहाँ के उत्तर प्रदेश में कितने लोग चाहते थे गठबंधन सरकार भी कि मोदी के यहाँ से निकलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन उन्होंने अच्छी हासिल की है, सबका विकास सबका साथ, सबका साथ दिया है। बनारस में कुछ काम हुआ? बनारस में अच्छा काम करा है, बहुत काम करा है, बन गया।
भोपाल, मैं भोपाल से हूँ। मोदी जी ने बिहार को कांग्रेस ने लूटा, लालू ने लूटा, सब लूट के खास कर दिया, कहा कि रोड बिजली सड़क लूट लिया। अब ये 5 साल में जाता हूँ तो लगता है कि बिहार में नहीं दिल्ली में हूँ मैं। वाह, अरे क्या बात, क्या इजोत है, रोशनी है। मैं बिहार से हूँ, बिजली है। गठबंधन के घरवे में खेल हो गया, गठबंधन के घरवे में ही खेल हो गया, फिर से मम्मी का पप्पू फेल हो गया, एक बार फिर मम्मी का पप्पू फेल हो गया। मोदी जी, एक्चुअली अभी हुआ क्या है, पिछली बार 2014 में जो चुनाव हुआ था वो भ्रष्टाचार को लेके और विकास के लिए हुआ था, जैसे मोदी आए थे। अभी 2019 में राष्ट्रवाद का चुनाव हुआ है, राष्ट्र से लेके कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जिन लोगों ने सबूत मांगे थे उन्होंने मुंह की खा ली है, हैं? तो सबसे पहली बात ये है, मोदी हैं तो विकास है, नहीं तो सब कुछ ठीक है। मोदी जी आए, मोदी जी आए, बाहर आया, आपके साथ सुखी संसार आएगा, आपके साथ सुखी संसार। मैं भी, मैं तो ये कहूँगा कि केजरीवाल जो बालाकोट की खिलाफ बोल रहे थे 300 के लिए कितने लाशें चाहिए, सबूत जो मांग रहे थे, सबूत जनता ने सबूत दे दिया, सबको सबूत दे दिया, पूरे विपक्ष को सबूत दे दिया। जो टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दे रहे थे उनको सबको पता चल गया है और आगे से अब देश की राजनीति बदल जाएगी। सबूत मांगने वालों को सबूत दे दिया जनता ने। चौकीदार जो है वो प्योर है, बाकी सब चोर है। चौकीदार जागा तो चोर भागा, पहले चोर यहाँ था, क्योंकि पहले चोर यहाँ था, माल्या यहाँ था, नीरव मोदी यहाँ था, चौकसी यहाँ था। क्यों? आपका चौकीदार सो रहा था। जब हमारा चौकीदार 130 करोड़ जनता का चौकीदार जागा तो सारे चोर भागे। और एक बात और राहुल जी को बता दूं, अंबानी मोदी जी के राज में अंबानी नहीं बना, चौकसी मोदी जी के राज में चौकसी नहीं बना, ये जो माल्या है मोदी जी के राज में माल्या नहीं बना, सब आपके राज में माल्या बना। और यहाँ पे था जब हमारा चौकीदार 130 करोड़ जनता का चौकीदार जागा तो सारे चोर भागा। लेकिन आएंगे वो भी, उनको पकड़ के लाएंगे और अपने जेल में रखेंगे जहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहते थे। तुम्हें ब्रिटिश में नहीं रहने देंगे, यहाँ बुलाएंगे।